नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली डिफेंस करंट फ्रंट अपडेट लाता रहता हूं। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत ने स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने इस साल यानी 2022 में धनुष, निर्भय, अग्नि प्रहार जैसी कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। सुरक्षा के लिहाज से इन मिसाइलों का टेस्ट भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी हथियार प्रणालियों को विकसित करने में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपको बताता चलूं, भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के साथ प्लास्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु संचालित पनडुब्बियों वाला छठा देश बन गया है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भारत ने साल 2022 में किन मिसाइलों का परीक्षण किया है और आज भारत मिसाइल क्षेत्र में कहां खड़ा है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO ने जनवरी के महीने में इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल का वजन कम है और इसे पोर्टेबल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जाता है। परीक्षण के समय मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा और उसे नष्ट कर दिया। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलना को हेलीकॉप्टर से अप्रैल में लॉन्च किया गया। इस मिसाइल का 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। मिसाइल ने सटीक निशाना लगाते हुए लक्ष्य को भेद दिया था। मई 2022 में भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एडिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके सफल होने के साथ ही अब एयरफोर्स सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से लंबी दूरी तक जमीन या समुद्र में किसी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर हमला करने में सक्षम हो गई थी। परीक्षण के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो तय लक्ष्य था, ब्रह्मोस ने उस पर सटीक निशाना लगाया था। नेवल एंटीशिप मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मई में उड़ीसा के ITR परीक्षण स्थल के बालासेर में नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से एक सफल परीक्षण किया था। परीक्षण में मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने में कामयाब रही थी। ये नौसेना के लिए एक स्वदेश निर्मित पहली एंटी शिप मिसाइल थी जिसे हवा से दागा गया था। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जून में परीक्षण किया गया था। DRDO और भारतीय सेना ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। परीक्षण में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ने सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद दिया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का DRDO और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इससे पहले भी ये परीक्षण भारतीय नौसैनिक पोत से 24 जून 2022 को किया गया था। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। भारतीय सेना और DRDO ने सितंबर 2022 में हाई स्पीड एयरबन टारगेट के खिलाफ 6 उड़ान परीक्षण किए थे। ये परीक्षण विभिन्न प्रकार के मिसाइल सहित अलग अलग सिनोरियो में हथियार प्रणाली की क्षमताओं का आकलन करने के लिए किए गए। सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल। INS अरिहंत ने अक्टूबर में पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ नष्ट किया था। ये परीक्षण तकनीकी मानकों पर खरा उतरा था। INS अरिहंत भारत की परमाणु संचालित ब्लास्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियत की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। अग्नि 3। भारत ने इंटरमीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण उड़ीसा के APG अब्दुल कलाम द्वीप से किया था। आपको बताते चलूं, ये परीक्षण नवंबर के महीने में किया गया था। इससे पहले अग्नि 4 का सफल परीक्षण जून में किया गया था। ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। इसी साल नवंबर में ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की थी। भारत ने उड़ीसा के तट पर APG अब्दुल कलाम द्वीप से लॉर्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया था। अग्नि 5। रक्षा क्षेत्र के बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के मकसद से भारत ने 15 दिसंबर 2022 को परमाणु हमला करने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट के APG अब्दुल कलाम की द्वीप से किया गया था। ये अग्नि मिसाइल श्रृंखला का नवीनतम परीक्षण था। ये मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने 28 दिसंबर 2022 को ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया था। मिसाइल ने घातक स्पीड के साथ टारगेट को खत्म कर दिया था।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।